गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि संग कर शम हो। अर्थात गुरु के बिना किसी की गति नहीं है। संपूर्ण चराचर सृष्टि के अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना गुरु के अपने जीवन को यापन कर सके। गुरु बिना भव निधि तरही न कोई, जो विरंच संकर शम होई। बाबा तुलसी को इस पंक्ति को लिखना पड़ा, क्यों? हम थोड़ा विश्लेषण करें, विचार करें कि क्या ये पंक्तियां कहां तक सत्य घटित होती हैं। बाबा तुलसी ने इस पर विवेचन किया। आइए हम लोग गुरु पूर्णिमा गुरुत्सव के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा की जानकारी हम अर्जित करेंगे, क्या क्या इतिहास है, क्या कथाएं हैं। लेकिन नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको भविष्य में भी इसी प्रकार की जानकारियाँ इस चैनल पर प्राप्त होती रहें। तो जो विरंच संकर शम होई, बाबा तुलसी को यहाँ तक कहना पड़ा। अर्थात क्या मतलब है? कहा कोई भी हो, साक्षात भगवान भी हो, तो भी गुरु की आवश्यकता उनको पड़ती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो या फिर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हो। अच्छी एक चीज और हम यहाँ पर थोड़ा विश्लेषण करें, मंथन करें, चिंतन करें कि गुरु कौन है। दत्त भगवान ने अपने जीवन में 24 गुरु धारण किए थे, लेकिन ये सभी शिक्षा गुरु थे। अच्छा, बात शिक्षा गुरु की है, दीक्षा गुरु की बात आज उसकी नहीं है। बात आज सिर्फ गुरु शब्द की है। गुरुता का मतलब होता है जिसके अंदर सार भरा हुआ है, जो हमारे अज्ञानता का हरण करने वाला है, जो हमारे पथ में हमारे पथ प्रदर्शक बनने माने हैं, हमारे पथ पर उजाला और प्रकाश भरने वाले हैं। हमारा पथ आलोकित जो करेंगे वह गुरु है। और हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का आगमन होता है। प्रथम गुरु माँ होती है, जन्म देने के साथ ही अनेक शिक्षा और संस्कारों से संपन्न करके माता और पिता उस बालक को आगे लेकर चलते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है तो प्राइमरी स्कूल में जाता है, वहाँ उसको एलकेजी नर्सरी इत्यादि में जो है अलग गुरु मिलते हैं। फिर थोड़ा बड़ी कक्षाओं में चला जाता है, वहाँ उसको अलग गुरु मिलते हैं। फिर कॉलेज में चला जाता है, वहाँ उसको अलग गुरु मिलते हैं। कोई अन्य कोर्स इत्यादि करते हैं तो वहाँ पर अलग गुरु मिलते हैं। लेकिन जीवन में सुसज्जित और संस्कारित और एक आलोकित दिव्य जीवन जीने के लिए हमें एक आध्यात्मिक यात्रा और आध्यात्मिक चेतना के लिए हमें एक अध्यात्म गुरु की आवश्यकता होती है। मैं आपको अध्यात्म ज्योतिष पर तमाम हर प्रकार की चर्चाओं के अंतर्गत लेकर के आता हूँ। और हमारे उद्देश्यों में अध्यात्म पर ही हम लोग चिंतन करें, मनन करें, ज्योतिष को हम लोग समझें, ज्योतिष का, क्योंकि ज्योतिष के बिना कुछ भी नहीं है। वेदानाम चक्षु ज्योतिष, अगर आँख नहीं है तो क्या है? कुछ भी नहीं है। जब नेत्र हैं, आँख है हमारे पास, तभी तो हमें सब कुछ दिखाई देगा, और ज्योतिष वही है। इसलिए अध्यात्म का पथ आलोकित रहे, ज्योतिष के द्वारा हम उसको देखते रहें, समय समय पर समय का आभास होता रहे, आने वाले समय की आहट को हम लोग सुनते रहें, समझते रहें। तो यहाँ पर मैं आपको गुरु शब्द के बारे में बता रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा के बारे में आपको बता रहा हूँ कि गुरु पूर्णिमा, वैसे तो इस वर्ष जो गुरु पूर्णिमा का पर्व पड़ने वाला है वो आपको गुरु पूर्णिमा 24 तारीख को यानी 24 जुलाई 2021 को जो है गुरु पूर्णिमा का पर्व रहेगा। आषाढ़ की पूर्णिमा यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को यह पर्व हम लोग मनाते हैं, जिसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी हम लोग कहते हैं, व्यास पूर्णिमा हम इसे कहते हैं, और गुरु पूर्णिमा भी हम इसी को कहते हैं। इसीलिए आज भगवान के साथ साथ हम लोग सद्गुरु की पूजा करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को वंदन करते हैं जिन्होंने अज्ञान से निकालकर हमें हमें ज्ञान की ओर प्रकाशित किया, हमें ज्ञान की ओर जो है उन्होंने प्रदर्शित किया, हमें ज्ञान की ओर उन्होंने बढ़ाया और तमाम जो है हमारे जीवन में आलोक भर दिया। इसलिए गुरु पूर्णिमा में हमें क्या क्या करना चाहिए,
हमें व्यास भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिनकी कृपा से हमें तमाम शास्त्रों की जो है हमें प्राप्ति हुई है। अनेक धर्म ग्रंथों का जिन्होंने विभाजन किया, वेदों से उपवेद बनाए, वेदों का विभाजन किया, वेदों का सार प्रकट किया, प्राणों को लिखा, और प्राणों में भी प्राणानाम तिलक श्रीमद् भागवत पुराण को लिखा, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ को उन्होंने जो है जन्म दिया, और स्वयं जो है बद्रिकाश्रम में बैठ करके उन्होंने इस दिव्य लीलाओं को करने के बाद स्वयं वहीं पर विश्राम किया। खास बात मैं आपको बता दूं, जो दर्शक जिन्होंने बद्रिकाश्रम में दर्शन नहीं किया, आप लोग जब भी बद्रिकाश्रम जाएं, वैसे जीवन में जीते जी बद्रिकाश्रम एक बार जरूर जाएं। आपने दुनिया में कहीं भी घूमाओ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन यदि आप दर्शनार्थ बद्रिकाश्रम नहीं पहुँचे, बद्रीनारायण भगवान के आपने दर्शन नहीं किए, तो समझ लो अभी बहुत कुछ आपसे दूर है। और एक चीज़ और है, जीवन में जीते जी यदि स्वर्ग का दर्शन करना है, तो मेरे हिसाब से बद्रीनाथ के अलावा कोई और कुछ नहीं है। साक्षात आज भी वहाँ पर स्वर्ग का आभास होता है, वो देवभूमि है। वहीं पर जो है, जब हम आगे बढ़ेंगे, मंदिर से कुछ आगे बढ़ेंगे, तो माणा गाँव 3 किलोमीटर दूर वहाँ से है, और माणा गांव में हम प्रवेश करेंगे तो वहाँ से थोड़ा सा ऊपर चल करके व्यास गुफा आती है, गणेश गुफा आती है, सरस्वती का उद्गम स्थान आता है, भीमपुल आदि बाएं हाथ में वहीं से पढ़ते हैं, वहीं से स्वर्गारोहिणी की यात्रा जहाँ पांडव लोग गए थे। तो बंधुओं, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम लोग यात्राओं की अपने श्रृंखला में, इस क्रम में, हम बद्रिकाश्रम को जरूर एक बार जो है वहाँ जाएँ और व्यास गुफा, गणेश गुफा, इन सबका भी दर्शन करें। वहीं पर कथा आती कि वेद व्यास जी ने जो है इन प्राणों को कहा और गणपति महाराज ने लिखा। कुल मिलाकर के वहीं पर जो है इन प्राणों का, इनको जन्म मिला, इनका सृजन हुआ, इनका विस्तार हुआ, और इन सबका व्यास यानी विस्तार करने वाले वही व्यास कहलाए, और उन्हीं के समर्पित यह व्यास पूर्णिमा होती है। इसीलिए व्यास गादी पर जो लोग बैठते हैं उनको भी व्यास कहा जाता है, विस्तारक होते हैं, विवेचनकर्ता होते हैं, इसका जो तत्व है वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए तमाम अध्यात्म और ज्योतिष के प्रेमियों, आप सबको एक बार बद्रिकाश्रम निश्चित रूप से जाना चाहिए, व्यास गुफा का दर्शन करना चाहिए, और इसी व्यास पूर्णिमा पर आपको अपने जीवन काल में, क्योंकि गुरु बिना भवनिधि तर ही न कोई, जब भवनिधि को तर नहीं सकता, अच्छा भवनिधि है क्या, ये समस्त संसार ही भवनिधि है, और इसको पार करना है तो हमें ज्ञान चाहिए, और ज्ञान हमें गुरु देगा, चाहे वो अध्यात्म का ज्ञान हो, चाहे हमें सामाजिक ज्ञान हो, किसी न किसी को तो अपने जीवन में गुरु धारण करना ही पड़ेगा। इसलिए सभी गुरुजनों को, सभी शिक्षा गुरु हों, चाहे शिक्षा दीक्षा गुरु हों, या जिन्होंने भी जीवन में, जिनसे भी आपने कुछ सीखा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, उनके प्रति भक्ति का भाव, उनके प्रति हमारा समर्पण का भाव, और आज हम अपने भाव पुष्प को उनके चरणों में हमें अर्पित करना चाहिए किसी भी रूप में। तो व्यास पूर्णिमा का अपने आप में यह महत्व है, और व्यास गुफा जो बद्रिकाश्रम में है वहाँ पर खासकर, वैसे तो लगभग हम जब भी वहाँ पर जाते हैं तो कोई ना कोई वहाँ पर वहाँ के पुरोहित होते हैं जो वहाँ के बारे में कथाएं सुनाया करते हैं, लेकिन इस कथा को जो लोग सुन पाते हैं उस दिन, ये विशेष पुण्यदायी और फलदायी कथा है, इसको निश्चित रूप से सुनना चाहिए। आपने यूट्यूब के माध्यम से सुना, आप इसको आगे भी विस्तार करें, लोगों तक इनको, अपने सगे संबंधियों तक आप उसको फॉरवर्ड करें, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो, ताकि उन तक भी आप इस कथा को पहुंचाने का काम करें, तो वह भी इसका लाभ ले सकें। यदि जीवन काल में गुरु धारण नहीं किया तो इस दिन आपको गुरु धारण करना चाहिए, अपने अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक चेतनाओं का संचार करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए आपको आज गुरु धारण करना चाहिए। और यदि आपने गुरु धारण किए में, गुरु आपने पहले से बनाए, तो आज के दिन उनके पास आपको जाकर गुरु पूजन करना चाहिए, व्यास पूजन आपको उनको करना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया और किसी व्यास के
सानिध्य में उन्होंने भगवान की कथा, भगवत चर्चा उन्होंने सुनी, उनके प्रति उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। और कुछ नहीं तो पुष्प अर्पण कीजिए, एक फूल ले जाकर हम उनको दें, फल ले जाकर उनको अर्पित करें, किंचित द्रव्य दक्षिणा उनको अर्पित करें, वस्त्र आदि। वैसे पीले वस्त्रों का बड़ा इसमें महत्व है, रेशमी वस्त्रों का महत्व है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाए तो जो भी आपसे बनता है, एक रुमाल का टुकड़ा हो, एक कुछ भी जो भी आपसे बनता हो, कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि हम पूरा गुलदस्ता लेकर जाएं, एक फूल उसमें हो सकता है, एक पत्ता हो सकता है, क्योंकि भगवान क्या, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रियच्छति। जो भी भक्तिर भाव के साथ आप अर्पित करते हैं, चाहे गुरु के चरणों में हो चाहे भगवान के चरणों में हो, श्रुत्र एक ही है। तो कुल मिलाकर के अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम आप सभी श्रद्धा अध्यात्म ज्योतिष के प्रति रखने वाले तमाम दर्शक, आपको आज इस पावन अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपको इस दिव्य कथा को हमने यहां पर बताया और आशा करता हूं कि आप जरूर इस दिव्य कथा को सुन करके अपने जीवन में एक नई संचार, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे और इस कथा के उद्गम स्थान पर आप लोग जरूर जाकर दर्शन करें, अर्थात बद्री विशाल जाकर जरूर दर्शन करें। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।